चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कोर्सेज। जॉइन IFMC ऑनलाइन प्रोग्राम्स टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड सक्सेसफुली इन स्टॉक मार्केट। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, मैं पिछले दो वीक से लगातार मार्केट में एक चीज नोटिस कर रहा हूं, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मार्केट में इस समय कोई बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं है। केवल दो न्यूज मैं लगातार सुन रहा हूं। पहला कि वैक्सीन में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, वैक्सीन के आने में कुछ हम फॉरवर्ड हुए हैं, और ये न्यूज जरा सी मार्केट में क्लिक होती है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अगले पल COVID-19 के कुछ केसेस बढ़ने लगे हैं, ये न्यूज आती है तो मार्केट थोड़ा सा फिर नीचे आ जाता है। एक कंसोलिडेशन जैसा माहौल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली मैं सबसे पहले ये भी बात करूंगा कि हाँ, वैक्सीन आ रही है, नो डाउट। मोदी जी बहुत सारी अपनी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द हम सभी लोगों को वैक्सीन मिले। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूंगा कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है और तो उसमें वो भी हमको बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है। और आप ये मत समझें कि अगर कोई वैक्सीन आ जाती है तो वो 100% जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होगी। वैक्सीन कैसे आएगी, क्या प्राइस में आएगी, वो कैसे लगेगी, दूसरी बात उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, ये बड़ा चीज है, बड़ी बात है कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी ना करें और केवल एक प्रिकॉशन रखें और ये मत सोचें कि वैक्सीन आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, केवल दो चीजों का आप लोग ध्यान रखें। कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ दोस्तों, हम जितना प्रिकॉशन लेंगे हमारे क्योर से बेटर है। कोई चीज हो जाए इसलिए अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब लोग आपको बता रहे हैं, मैं भी आपको ये बता रहा हूं। रीजन बिहाइंड कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज तक पहुंचते हैं, कोई बीमारी तक पहुंचते हैं, तो अच्छा यही है कि हम उसको पहले से प्रिकॉशन रखें। और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हमको अगले एक साल रखनी है अगर हमको वैक्सीन से या कोविड से दूर रहना है। हालांकि स्टॉक मार्केट वाले बहुत जल्दी से चीजों को डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो शायद हमारी आदत ही यही बन जाती है कि हम हर चीज को डिस्काउंट करते हैं। तो मैं भी इस चीज को यह डिस्काउंट जरूर करूंगा कि जब तक आपके पास वैक्सीन आएगी, जब तक आप इम्यूनिटी डेवलप कर चुके होंगे। हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी भी कह सकते हैं इसको कि आपके पास 2-4-6 महीने या 8 महीने में जब तक वैक्सीन आएगी, आप सब लोग एक बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगी, और हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को वैक्सीन की अब जरूरत भी ना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्रिकॉशन लेंगे, और मैं अब अपने एपिसोड को आगे बढ़ाता हूं तैयारी अगले सप्ताह में। इसके बाद मैं अगर देखूं तो लास्ट वीक जो मैंने मार्केट को देखा और जो हमारे लेवल्स मार्केट में आए, वो इतने बढ़िया लेवल्स हुए कि दिल खुश हो जाता है कभी कभी मार्केट को देखते हुए। और जो हम लोगों ने लेवल्स आपको दिए हैं, उनको देख के जब लगता है कि मार्केट उन्हीं लेवल्स पर आती है और रिटर्न बैक करती है, तो एक खुशी होती है। और आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं कि सर एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट पलट रहा है या वही लेवल से जो है मार्केट घूम रहा है, तो बहुत खुशी होती है आप लोगों के ये सारे कमेंट्स पढ़ के और आप लोगों की प्रशंसा सुन के। यहां मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पहली बात तो आप लोग ध्यान रखें कि किसी भी प्री ऑक्यूपाइड थॉट के साथ मार्केट में ना जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले से ही रात को या 2 दिन पहले ही उनका एक प्लान बन जाता है कि मार्केट बहुत तेज है, मार्केट जो है, किसी ने कह दिया है 50,000 इंडेक्स होगा, बॉम्बे जो है वो 55,000 हो जाएगा और निफ्टी बहुत तेज होगी, तो कल मैं जाते ही मार्केट में लूंगा, और फला 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 उनकी लिस्ट तैयार होती है और वो लग जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर प्री ऑक्यूपाइड थॉट लेके ना जाएं,
हाँ, प्री ऑक्यूपाइड थॉट जरूर रखें दिमाग में, लेकिन उसको करंट मार्केट से मैच जरूर करें। तो अगर मेरा प्री ऑक्यूपाइड थॉट तेजी का है और मैं जिस समय ट्रेड लेने जा रहा हूं उस समय भी अगर जो ट्रेंड है वो तेजी का है तो ही मैं तेजी के सौदे लूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्री ऑक्यूपाइड थॉट जो है वो तेजी का है और आज जो है वो मार्केट गिर रही है और मैं ये सोचूं कि चलो आज तो गिर रहा है और सस्ते में मिल रहा है तो मैं उसको लूं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, मार्केट के साथ चलें, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलें, और ये ना मार्केट को ओवर प्रेडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहता है कि मार्केट यहां से ये हो जाएगा, मार्केट यहां से वो हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ना सोचें। हाँ, तेजी का थॉट आपके दिमाग में है, उसको मार्केट में जब आप ट्रेड ले रहे हैं उस समय आप बिल्कुल उसको मैच करें, तभी मार्केट में ट्रेड लें। दूसरी बड़ी बात, लेवल्स का खास ध्यान रखें, जो सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हम आपको देते हैं उनका खास ध्यान रखें। उन लेवल्स के नीचे जाते ही अगर दूसरा सपोर्ट लेवल बहुत नीचे है तो कोशिश करें उसी समय क्विट कर दें। मैंने आपको बताया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जो है वो केवल कोविड से रिलेटेड नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में भी है। चलिए मैं आपको यहां पर एक छोटा सा भी एग्जांपल देता हूं और लास्ट वीक का एक चार्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे जो लेवल्स थे वो कितने सटीक थे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, निफ्टी जो है वो फ्राइडे को बंद हुआ है करीब 12,970, करीब 17 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है पूरे वीक में। कोई खास ज्यादा तेजी मंदी नहीं हुई है, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में घूम के 17 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। क्रूड 3324 बंद हुआ है, 3324 करीब 175 पॉइंट ऊपर। क्रूड ने एक अच्छी तेजी दिखाई है, हालांकि क्रूड में कोई जो तेजी बनी है वो इस वजह से कोई खास नहीं है कि हमारे को कोई बहुत इंडस्ट्री में जो है वो ज्यादा बेटरमेंट हुई है, लेकिन हाँ कुछ जो यूएस की ऑयल इन्वेंट्रीज हैं उनकी वजह से जो ऑयल है उसका प्राइस ऊपर आया। खैर, उसके बाद सीधा हम जो है, हमने जो लास्ट वीक आपको प्रेडिक्शन दिया था वो दिया था मंथली, वीकली और डेली, तीनों के ऊपर हम बुलिश थे। हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बुलिश थे, पोजिशनल पर बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल पर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे चार्ट्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है और मैंने इसके ऊपर लेवल्स जो मैंने आपको लास्ट वीक मार्क कराए थे, मंथली लेवल 11,358, वीकली लेवल था हमारा 12,399, 12,399, और डेली लेवल था हमारे पास 12,813, 12,813। ये तीन लेवल्स थे हमारे और ये हमारी कैंडल्स आपको दिख रही हैं। ये मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। आपने देखा कि मंडे को मार्केट यहां पर खुला करीब 12,932, यहां पर 12,932 के ऊपर मार्केट खुला, और उसके बाद आपने देखा ये एग्जैक्टली 12,813 का लो लगा। आपने देखा ये टेल बन रही है नीचे और ये एग्जैक्टली 12,813, यानी कि मंडे को जो मार्केट ऊपर खुला वो नीचे तक आया हमारे सपोर्ट लेवल तक और फिर वहां फिर उसके ऊपर ही बंद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने इंट्राडे सपोर्ट जो है 12,813 ने मार्केट के मंडे के सपोर्ट में कितना योगदान दिया। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट ऊपर ही रहा, वेडनेसडे को मार्केट ऊपर खुला और हमारे सपोर्ट के क्लोज आके बंद हुआ, और थर्सडे को फिर मार्केट ऊपर खुला और ऊपर ही बंद हुआ, और थर्सडे को भी अगर आप ध्यान से देखें ये एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पर 12,813 पर आकर इसने सपोर्ट लिया और ऊपर बंद हुआ। चलिए बेटर होगा, मैं लास्ट वीक का जो चार्ट है मैं इसको आवरली चार्ट लगाता हूं, शायद बेटर वे में समझा पाऊंगा। मैं आवरली चार्ट लगाने जा रहा हूं लास्ट वीक का। दोस्तों, ये आवरली चार्ट लगाया है मैंने, आवरली चार्ट लास्ट वीक का। मंडे को मार्केट यहां पर खुला, अब आप लोग ध्यान से देखें, ये हमारा 12,813 का लेवल है जो ग्रीन लाइन मैंने खींची हुई है, जो मैंने आपको लास्ट संडे को मार्क कराई थी। मंडे को मार्केट खुला ऊपर,
उसके बाद एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के पास आया 12,813 पर, यहां देखें आप। उसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की मूवमेंट ली, यहां पर करीब करीब 12,950 के लेवल्स पर आया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया और इन लेवल्स पर आपने देखा 12,813 पर मार्केट 12,813 के नीचे गया, यहां इसको सपोर्ट मिला और कंसोलिडेशन करके ये वापस मार्केट ऊपर की तरफ 13,120। उसके बाद अगेन मार्केट जो है फिर नीचे आया और एग्जैक्टली हमारे 12,813 के ऊपर सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट ने क्लोज किया 13,000 पर। तो दोस्तों यहां केवल समझाने का मकसद यह है कि ये लेवल जो आपको दिया गया 12,813 का, आप देखें कि कितनी बार एक हफ्ते के अंदर मार्केट पहले दिन मंडे को पलटा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये हमारा 20 तारीख को यहां से पलटा और फिर उसके बाद 24 तारीख को टॉप इंडेक्स बना, उसके बाद 26 तारीख को फिर नीचे आया और उसके बाद फिर ऊपर। ये देखिए, पहला डिप ऊपर, दूसरा डिप ऊपर, तीसरा डिप ऊपर, तो बेसिकली 1, 2 और 3 तीन बार मार्केट हमारे गिवन लेवल को बहुत अच्छा सम्मान दिया। और अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करके चलते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। पूरे हफ्ते में करीब आपको 3 बार मौका मिला आपको ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अपने सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हम आपको लिखवाते हैं उसका बहुत सटीकता के साथ पालन करें, और ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जो हम आपको लिखवाते हैं ये अद्भुत लेवल होते हैं। और बेसिकली जो मैंने पिछले 2 साल से ये एपिसोड में आपके सामने आ रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि एक बार भी इन लेवल्स ने आपको हेल्प ना किया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट में हेल्प मिली हमको लास्ट वीक के लेवल से। चलिए अब हम चलते हैं सीधा, देखते हैं कि क्या न्यूज मार्केट में लास्ट वीक रही और उसके बाद चलेंगे हम कंक्लूजन पर। तो दोस्तों सीधा आगे न्यूज सेक्शन में, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग यहां पर जो तैयारी अगले सप्ताह के अंदर मार्केट का नेक्स्ट वीक का व्यू बनाते हैं, वो व्यू हम 2 पैरामीटर्स के ऊपर बनाते हैं, पहला न्यूज एनालिसिस के ऊपर और दूसरा टेक्निकल्स के ऊपर। तो न्यूज एनालिसिस के ऊपर चलिए हम नेक्स्ट वीक का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर मैंने यहां पर डोमेस्टिक न्यूज और इवेंट्स को डिस्कस करूंगा, यहां पर ग्लोबल को करूंगा। ये पहला मेरा प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हैं, ये प्रिवेलिंग सेंटिमेंट वो सेंटिमेंट है जो सेंटिमेंट पहले के चले आ रहे हैं। तो पहले के चले आ रहे सेंटिमेंट्स में डोमेस्टिक की बात करूं तो बॉर्डर पे चाइना इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है, कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन इन इकोनॉमी हम देख चुके हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोविड के बाद बाउंस बैक करने की पूरी ताकत है। एग्री प्रोडक्शंस हमारे इस समय बहुत हाई हो चुके हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है जिससे डिमांड बढ़ सकती है, स्टिमुलस हमारा अवेटेड है जो फाइनेंस मिनिस्टर दे सकते हैं कोविड 19 के दौरान। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं तो टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना लगातार चलती आ रही है पहले की, कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ पॉजिटिव की बात करूं तो इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में देखने को मिली है, पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन और यूएस का जो स्टिमुलस है वो अवेटेड है। तो ये हमारे कुछ प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं करंट न्यूज की, तो करंट न्यूज में डोमेस्टिक में अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो प्रोग्रेस टुवर्ड्स वैक्सीन, और अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो प्रोग्रेस टुवर्ड्स वैक्सीन। तो प्रोग्रेस टुवर्ड वैक्सीन चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ग्लोबल हो, ये दोनों तरफ एक पॉजिटिव न्यूज बनी हुई है। और आप सबको पता है जो नेगेटिव न्यूज बनी हुई है वो बनी हुई है कोरोना की थर्ड वेव जो ग्लोबली और इंडिया दोनों को तंग कर रही है और एक नेगेटिव व्यू मार्केट के लिए बनाती है। तो ओवरऑल लास्ट वीक में कोई बड़ी न्यूज हमारे पास नहीं थी, लेकिन मैं ओवरऑल देखूं तो मार्केट अभी भी
एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, तो अगर मैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू कोई व्यू बनाना चाहूंगा तो वो पॉजिटिव। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि न्यूज एनालिसिस के थ्रू हमने एक पॉजिटिव व्यू मार्केट के अंदर बनाया है। अब हम चलते हैं सीधा और देखते हैं कि यूडीटीएस के थ्रू क्या व्यू मार्केट में बनता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो न्यूज और इवेंट्स नेक्स्ट वीक होने वाले हैं हम उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे कि मार्केट में अगर कोई नेक्स्ट वीक में बड़ी न्यूज है तो वो भी मार्केट की दिशा तय करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों फोर्थ कमिंग इवेंट में सबसे पहले मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं। मंडे को इंडिया में छुट्टी है, गुरु नानक जयंती है, जिसके लिए मार्केट बंद रहेगी। ट्यूजडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे, हमारा ध्यान होगा। वेडनेसडे को कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी न्यूज नहीं है। थर्सडे को सर्विसेज पीएमआई के नंबर आएंगे, जहां हमारा ध्यान होगा। और फ्राइडे एक बड़ा दिन जहां पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। ग्लोबली बात करूं तो मंडे को होम सेल्स के नंबर आएंगे और चाइना का पीएमआई डाटा आएगा। तो ये मंडे को दो इवेंट है। ट्यूजडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे यूएसए में। वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे यूएसए में। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे थर्सडे को। और फ्राइडे को सर्विस पीएमआई और इंटरेस्ट रेट डिसीजन। दोस्तों एक अच्छी खासी न्यूज और इवेंट का नेक्स्ट वीक बना हुआ है। काफी सारे डाटाज हैं जो हमको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे और जो मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको प्री ऑक्यूपाइड थॉट के साथ बिल्कुल मार्केट में नहीं जाना है, हमको उस समय के न्यूज को भी ध्यान में रखना है। ओवरऑल इन सब चीजों के ऊपर मेरा हमारी निगाह रहेगी। और अब हम चलते हैं सीधा टेक्निकल्स के पास और चेक करने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल्स मार्केट का क्या व्यू दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। तो निफ्टी के ट्रेवल्स के लिए हम आ गए UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर अभी भी मार्केट में ग्रीन जोन में घूम रहा है, ऑब्वियसली तेजी का जोन दिखा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। नोट करें दोस्तों निफ्टी के लेवल, निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 13,012 का जो है निफ्टी का डेली रेजिस्टेंस है। वीकली के ऊपर मार्केट अपवर्ड है, सपोर्ट है 12,960 और मंथली के ऊपर भी मार्केट अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 11,364। दोस्तों 11,364 मंथली का सपोर्ट है, लेकिन आज जो है वो 28 तारीख हो गई है, आज सैटरडे है और 28 तारीख को मैं मान के चल सकता हूं कि ये महीना खत्म हो गया। तो मैं अब जो करंट कैंडल है मंथ की उसको कंसिडर करूंगा। हालांकि ये लेवल जो है वो 11,364 दिखा रहा है, ये पिछले महीने का लेवल दिखा रहा होगा, लेकिन मैं जब आपसे बात करूंगा अभी चार्ट्स के ऊपर तो हम इस लेवल को करंट मंथ की कैंडल ले लेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे जाने से पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल दिखवा देते हैं। तो बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 29,622। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है 29,432 का सपोर्ट है और मंथली के ऊपर भी हम अपवर्ड है 21,685। तो बेसिकली मंथली वीकली अप और डेली के ऊपर भी अप, और निफ्टी भी मंथली वीकली के ऊपर अप था, डेली के ऊपर डाउन था। तो अगर मैं व्यू बनाऊंगा यहां पर तो व्यू भी मेरा अपवर्ड बनेगा। तो बेसिकली न्यूज एनालिसिस और टेक्निकल्स दोनों के थ्रू हमारा जो व्यू है वो अपवर्ड है। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होना चाहिए उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों
ये मैंने मार्क कर दिया है, मंथली लेवल मैंने अब यहां पर कर दिया है 11,690। हालांकि जो मैंने आपको पहले लेवल लिखाया था वो था 11,364, लेकिन मैं अब 11,690 को मैं मार्क करके चल रहा हूं, क्योंकि चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मंथ की कैंडल। हम अब ये वाली हमारी करंट मंथ की कैंडल है जिसका ये सपोर्ट हम लेके चल रहे हैं 11,690, और इससे पहले हम इस वाली कैंडल को लेके चल रहे थे, लेकिन क्योंकि अब 28 तारीख हो गई है तो मार्केट जो है वो नए महीने में हम इसी कैंडल को मानेंगे, तो 11,690 हमारा सपोर्ट है। तो दोस्तों ये मैंने मार्क कर दिया, एक सपोर्ट मंथली 11,690, फिर वीकली सपोर्ट है हमारा 12,960, और हमारा डेली का जो रेजिस्टेंस है वो है 13,012। बहुत बढ़िया चार्ट है ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इस समय केवल एक सपोर्ट है अब 12,960, जो मैंने ये ग्रीन लाइन खींची हुई है, और 12,960 के बाद सीधा 11,990, करीब करीब 1,000 पॉइंट दूर। तो दोस्तों मैंने बताया प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो यहां पर हमको ये प्रिकॉशन रखनी है कि अगर 12,960 के नीचे मार्केट रहता है तो पहली चीज कि मुझे बाइंग नहीं करनी। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझको 12,960 के ऊपर ही बाइंग करनी है, और बाइंग भी जब करनी है जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हो। तो बहुत क्लियर और बढ़िया चार्ट है, अगर 12,960 के नीचे रहता है तो आप बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ऊपर के लेवल्स पर आप बाइंग करने से बचें, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आती है तो वो एक बड़ी करेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो जब हम आपको इतना कुछ बता देते हैं कि मार्केट में ये भी हो सकता है और इस समय ये बड़ी चीज हो सकती है, तो ऐसे में भी आपको प्रिकॉशन का स्तर बढ़ा देना चाहिए। हाँ, अगर ये सपोर्ट लेवल जो 911,690 का है, ये अगर कहीं यहां का कहीं होता तो शायद हमारे लिए इतना डर नहीं था, क्योंकि हमारे पास दो सपोर्ट थे। अगर एक बॉल को मैं यहां से गिरा रहा हूं और यहां के बाद यहां एक सपोर्ट है तो मुझको पता है कि ये बॉल बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये बॉल के बाद ये सपोर्ट बहुत नीचे है तो ये बॉल काफी नीचे जा सकती है। तो दोस्तों सेम वे दूसरा सपोर्ट जो है हमारा बहुत नीचे है, तो बहुत प्रिकॉशन के साथ ट्रेड करें और 12,960 के नीचे बाइंग ना करें। अगर आपको बाइंग करनी है तो 12,960 के ऊपर ही बाइंग करें। जिसमें एक खास बात आप सबसे करने जा रहा हूं, IFMC ने एक नया कोर्स एल्गो ट्रेडिंग आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग का नाम आपने बहुत सुना होगा, पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट को एडवांस स्टडीज और प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आप अगर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको एल्गो ट्रेडिंग आनी चाहिए। एल्गो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग होती है, जो मैनुअल ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग होती है। जो आप एक प्रोग्राम सेट करते हो, स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आपकी होगी, आप वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आप उसको एल्गो में फीड कर सकते हो, और एल्गो जो है वो कंप्यूटर अपने हिसाब से अपने आप जैसे ही आपकी पैरामीटर्स पूरे होते जाएंगे वो ट्रेड करता रहेगा। तो दोस्तों आजकल जो मैं देख रहा हूं ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है, और बहुत लोग एल्गो को यूज कर रहे हैं। तो हमारे सब पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर एल्गो ट्रेडिंग क्या है, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से एल्गो ट्रेडिंग को अपने कोर्स में समझाया है। आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके एल्गो ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। 4,500 रुपए का कोर्स है ये, आप लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एल्गो ट्रेडिंग को आपको बताना चाहूं सिंपल वे में, तो बहुत बढ़िया कोर्स है फॉर हार्ड कोर प्रोफेशनल्स, जो हार्ड कोर प्रोफेशनल्स हैं और मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको ये कोर्स आना चाहिए, एल्गो ट्रेडिंग आनी चाहिए। एल्गो इज हेल्पफुल इन वीकली ऑप्शंस आल्सो, जो वीकली ऑप्शंस हैं उसके अंदर भी एल्गो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बटरफ्लाई इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी इन एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग में
70-80% लोग जो हैं वो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी यूज करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काम करते हैं। मेजॉरिटी वॉल्यूम इन ऑप्शन इज डन, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्शन के अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो एल्गो ट्रेडिंग है। तो दोस्तों, एडवांस लर्निंग के लिए, एडवांस ट्रेडिंग के लिए आप लोग एल्गो ट्रेडिंग जरूर सीखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, ताकि आपके कमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम नए एपिसोड्स बना पाए। और हाँ, एल्गो ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो आप हमारे ऑनलाइन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल कोर्स है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट को बहुत प्रोफेशनली देखते हैं और प्रोफेशनली मार्केट के अंदर आना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।